हमारे एप्पल स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे दोनों जगह पे है। आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके रेसिपी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड के ऊपर मैंने फेसबुक पे कुकिंग विद मनीषा भरानी का फूड ग्रुप बनाया है। आप इस ग्रुप में जुड़े और नई नई रेसिपी सीखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पाइनएप्पल स्टोरिंग मेथड। पाइनएप्पल को हम बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आज मैं आपको दो मेथड सिखाने वाली हूँ। एक मैं पाइनएप्पल के पीसेस स्टोर करना सिखाऊंगी और दूसरा है पाइनएप्पल का क्रश। तो चलिए पाइनएप्पल का स्टोरिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये मीडियम साइज का पाइनएप्पल है। इसमें छोटा साइज भी आता है और बड़े बड़े भी आते हैं। मैंने वो दोनों में से मीडियम वाला लिया है। इसको हम ऐसे स्लाइस में काट लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस पाइनएप्पल को पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में ले लेंगे। अगर आपका पाइनएप्पल मीडियम साइज का है तो आपको इसमें 5 टेबलस्पून शक्कर डालनी है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। हमें इसमें 4 से 5 ग्लास पानी डालना है। अब हम इसे तेज आंच के ऊपर उबालेंगे। आंच शुरू करने से पहले हमें इसमें एक पिंच, आपके पिंच में जितना आता है उतना सिट्रिक एसिड डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्रिजर्वेटिव के लिए। आंच को शुरू करके इसे तेज आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए उबालेंगे। ऐसे बीच बीच में इसे स्टर करते रहिए। मैं इसे हमेशा ऐसे मोटे ही स्लाइस करती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसी तरह हमें बॉईल देना है। 5 मिनट के लिए हम इसे उबालेंगे। 5 मिनट उबालने के बाद में आंच को बंद कर दिया था। अब ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ आप इसे प्रिजर्व कैसे करेंगे। कोई भी एक कंटेनर में ले लीजिए आप इसको। और इसमें आप पानी डाल दीजिए। आपको इसको पानी के समेत ही स्टोर करना है। आपको ऐसे ही फ्रीजर में स्टोर कर देना है। ये करीबन 6 महीने तक अच्छे रहते हैं। क्रश बनाने के लिए हम ये पाइनएप्पल का जो बाहर का हिस्सा है वो ही लेंगे और ये जो बीच का हिस्सा है उसे हम निकाल लेंगे। कभी भी आप क्रश बनाते हैं तो आपको ये जो ये बाहर का हिस्सा है वो ही लेना है। ये जो पीसेस है अब हम इसको ऐसे मिक्सी में डाल देंगे टुकड़े करके। इसमें मैं 3 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ। ये करीबन 2 कप पाइनएप्पल के पीसेस हैं और अब हम इसको पीस लेंगे। पाइनएप्पल को क्रश किया है, इसको हम छान लेंगे। मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है। पाइनएप्पल क्रश को छान लिया है। ये 600 ml पाइनएप्पल का क्रश है। तो अभी हम इसमें 200 ml के अंदर एक पिंच डालना है। तो अभी मैं इसमें 3 पिंच सिट्रिक एसिड डालूंगी। 1, 2 और 3। उसका नाप है 200 ml पे आपको 1 पिंच सिट्रिक एसिड डालना है। अब हम आंच को शुरू कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे। अगर आपका पाइनएप्पल खट्टा है तो आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून शुगर और डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक उबालने के बाद में अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है और ये कंसिस्टेंसी को देखिए कितना गाढ़ा है। ये बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए। आप इसे फ्रीज में कोई भी एयरटाइट कंटेनर में करीबन 3 महीने के लिए रख सकते हैं और अगर आपने इसको फ्रीजर में स्टोर किया तो ये करीबन 6 से 7 महीना अच्छा रहता है। मैं आगे आपको इसकी सारी रेसिपी सिखाने वाली हूँ, तो आप ये बना के रेडी कर लें। हमारा पाइनएप्पल क्रश जो हमने प्रिजर्व किया है वो बनके तैयार है। आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।